धारा 340 को लेकर बहन मायावती जी का बड़ा बयान। कहा बाबा साहब की तरह बहुजन समाज पार्टी भी जी जान से करेगी ओबीसी के हक अधिकारों के लिए लड़ाई। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी के हकाधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का अभिन्न अंग है, जिसके हित व कल्याण के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की व उस पर सही से अमल नहीं होने पर देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीएसपी भी वैसे ही इन वर्गों के लिए जी जान से समर्पित। उन्होंने आगे कहा कि इसी सोच के तहत ओबीसी की पहचान करने व इनकी सूची बनाने संबंधी संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है, किंतु केंद्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे। जैसा कि गौरतलब है कि बसपा हमेशा से ही बहुजन समाज की हितैषी पार्टी रही है। संविधान के माध्यम से दिए हुए अधिकार समाज के उन वर्गों को मिलना चाहिए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा हमेशा से ही रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि बसपा हमेशा से ही ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।